अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम जिस चीज़ को देखेंगे दैट इज़ कि आप जो डिजिटल सिस्टम्स के अंदर जब हम एक इक्वेशन बनाते हैं फ्रॉम ए टू टेबल, और हमें उसके बाद उसके ऊपर रूल्स और थ्योरम्स लगा के जो है उसको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हम उसका कोई ईजी वे आउट हमारे पास क्या है, उसका पास हमारे पास एक और जो वे आउट है दैट इज़ यूजिंग कार्नो मैपिंग। और कार्नो मैपिंग के ज़रिए आप डायरेक्टली जो है वो टेबल को यूज़ करते हुए, ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए आप डायरेक्टली इक्वेशन को मिनिमाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें आप देखेंगे दैट इज़ कि आप के मैप को एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम जो है बूलियन फंक्शन के ऑल्टरनेटिव के तौर पे के मैप को यूज़ करते हैं, प्लस हम इसको मिनिमाइज करते किस तरीके से हैं, और नंबर तीन कि हम इसकी इजी कन्वर्जन ट्रू टेबल से कैम के मैप में कैसे करते हैं, जिसमें हमारे पास एक मिनिमाइज्ड एसओपी इक्वेशन जो है वो बन जाती है, और इसके सिंपल रूल्स क्या हैं जिसके तहत हम इसकी मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, और हम इसको एक एफिशिएंट वे में कैसे जो है हमारी जो है के मैप जो है वो कैसे हमारी उसको जो है टेक्निक इसको कैसे ये एक एफिशिएंट टेक्निक है मिनिमाइजेशन करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्नो मैप्स को हम यूज़ कैसे करते हैं और कार्नो मैप होता क्या है। इसके अंदर जो हमें सबसे पहले चीज़ रिक्वायर्ड है वो है ट्रुथ टेबल। और इसके अंदर आप देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वंस किन किन पोजीशन पर मौजूद है, उसके बाद इसका तरीकेकार ये है कि आप क्योंकि है ये टू वेरिएबल है तो टू वेरिएबल के फोर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो हम इसको स्क्वायर के अंदर जो है वो प्लेस करते हैं, और इसके अंदर हमारे दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो प्लेस हो जाएंगे, और हमारे पास जो भी वेरिएबल है उसकी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हम वो यहाँ पे लिख देंगे। वाई के केस में हमारे पास या वाई होगा या वाई बार होगा, इसी तरह एक्स के केस में या तो एक्स होगा या फिर एक्स बार होगा, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं हो सकता। सो हर सेल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक स्पेसिफिक लोकेशन को। तो अगर आप इस पोजीशन पे देखेंगे तो आपको जो मिलेगी पोजीशन वो है एक्स एंड वाई, इसी तरह अगर मैं इस पोजीशन पे देखूं तो मुझे मिलेगा एक्स बार वाई बार, लेकिन हम जब इसको प्लेस करेंगे एक प्रॉपर वे में तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम जीरो एंड देन वन, जो हमारे पास जो बनेगा वो होगा इस तरह। ये वेरिएबल आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, एक्स की जगह वाई आ सकता है और वाई की जगह एक्स हो सकता है, जिस तरह लेकिन हमें जो है जो इक्वेशन के अंदर जो क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक्स वाई हो जाए या वाई एक्स हो जाए, इनमें दोनों में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इनकी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद जीरो एंड वन, जीरो एंड वन, या एक्स बार एक्स वाई बार वाई। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ट्रुथ टेबल के अंदर हमें किस पोजीशन पे हमें आउटपुट में वन मिल रहा है, तो हम देख सकते हैं पहली पोजीशन है एक्स जीरो एंड वाई जीरो, तो एक्स जीरो एंड वाई जीरो ये वाली लोकेशन बनती है, सो यहाँ पे हमें मिल गया है वन। इसी तरह हमने अगली जो पोजीशन देखनी है दैट इज एक्स जीरो एंड वाई वन, सो एक्स जीरो ये पोजीशन है और वाई वन यही ये वाली पोजीशन बनती है, सो आपके पास इन दोनों पोजीशन पर वन आ गया है और बाकी दोनों पोजीशन पर जीरो आ गया है। तो ये आपने जो कार्नो मैप है वो रेडी कर लिया है, लेकिन अभी तक आपने इससे इक्वेशन नहीं बनाई। तो अगर हम करंटली ट्रू टेबल को देखते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें हमारे पास
दो टर्म्स का जो है वो एडिशन हो रही है या एसओपी बन रही है, जिसमें पहली टर्म है एक्स कॉमा वाई और दूसरी है एक्स कॉमा वाई कॉमा। लेकिन जब हम इसको मैप के अंदर प्लेस करेंगे तो उसके बाद हमने यहाँ पे जो चीज़ बनानी है वो दैट इज़ कि हमने इसके अंदर पेयरिंग करनी है। और पेयरिंग का तरीक़ेकार ये है कि आप उसके अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर से स्टार्ट करते हैं और उसको मिनिमम की तरफ लेके जाते हैं। सो दैट मीन्स, और ये जो वैल्यू चलेगी ये वैल्यू जो है वो 2 की पावर में ही चलेगी, जिस तरह हम इंक्रीमेंट करते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32। फर्क ये है कि हम यहाँ पे मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ मूव करेंगे। इस केस के अंदर चूंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं ही 4, तो हम अपना नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। और हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या इसमें चार ऐसे नंबर हैं जो बिल्कुल एक जैसे हों और चारों के चारों 1 हों। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास इसके अंदर चार नंबर तो मौजूद हैं लेकिन चार नंबर जो हैं वो 1 नहीं हैं। फिर हम इसके बाद देखेंगे कि क्या दो नंबर कंसेक्यूटिव और हैं और वो 1 हैं। हाँ, यहाँ पे है ऐसा कि यहाँ पे दो का पेयर बन रहा हो और दोनों कंसेक्यूटिव हों, या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। सो यहाँ पे अब ये चूंकि दो का पेयर बन रहा है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पेयर बन रहा है उसमें y बार भी आ रहा है और y भी आ रहा है। क्योंकि ये वैल्यूज दोनों ऑपोजिट हैं तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। और जब हम x की तरफ देखेंगे तो x के अंदर सिर्फ एक वैल्यू मौजूद है, विच इज x बार। सो हमारी इक्वेशन जो है वो मिनिमाइज होने के बाद रह जाएगी x बार। सो ये इक्वेशन आपका, ये जो आपका रिजल्ट आया है, ये वही आपका जो है आउटपुट शो करेगा जो आपकी ये इक्वेशन आपको आउटपुट शो कर रही थी। ये इसका टू वेरिएबल का जो है ये परफॉर्मेंस यहाँ पे मेंशन की गई है कि आपके पास एक और एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है इन अ 3 वेरिएबल, वो इन पोजीशंस के ऊपर हमें आउटपुट 1 जनरेट करके देती है। हमने पीछे जो देखा था 2 वेरिएबल के केस के अंदर, तो 2 वेरिएबल के अंदर हमें जो चीज़ नज़र आई थी कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद हो तो उससे आपका जो है वो कार्नो मैप इस तरीके से बनेगा। और अगर आपके पास आउटपुट जो है वो 3 आउटपुट्स आपके पास आ रही हों तो आपके पास ये बनेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिसमें हमने पहले बात की कि क्या हमारे पास 4 का सेट बनता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो बीच में आ गया है जिसकी वजह से 4 का सेट कंप्लीट नहीं होता। क्या यहाँ पे 2 का सेट बनता है? हाँ, एक ये 2 का सेट बनता है और एक ये 2 का सेट बनता है। ओवरलैपिंग हो सकती है। सो आपकी अगर हम जनरल इक्वेशन बात करें तो आपकी पहले तो ये बनती है लेकिन ये मिनिमाइज नहीं है। और अगर आप 3 वेरिएबल के अंदर बात करेंगे तो 3 वेरिएबल का तरीक़ेकार ये है कि आपके पास चूंकि ये आपकी इक्वेशन है जो आपके 3 वेरिएबल में है, तो आपके पास जब हम इसका मैप बनाएंगे तो एक साइड पर 2 वेरिएबल आ जाएंगे और एक साइड पर एक सिंगल वेरिएबल आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास 4 वेरिएबल का के मैप होगा तो उसके ना 2 वेरिएबल एक साइड पर हो जाएंगे और 2 वेरिएबल दूसरी साइड पर आ जाएंगे। लेकिन इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास एक वक्त में एक बिट ही रिप्लेस हो रही होगी, या सॉरी, इसको इस तरह कहना चाहिए कि एक वक्त में एक बिट ही चेंज हो रही होगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 00, उसके बाद 01 और उसके बाद 11 एंड देन 10। इसमें आपका वो वाला ऑर्डर नहीं जो है यूज़ हुआ जिस तरह आप टेबल में यूज़ करते हैं।
सो जब आपने के मैप करना हो तो आप उसके लिए किन रूल्स को फॉलो करते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल्स हैं क्या। पहली चीज़ ये कि आप लोगों ने हमेशा जब भी रिड्यूस करना है तो उस रिड्यूशन के लिए ज़रूरी है कि आप जितने भी नंबर ऑफ वंस अवेलेबल हैं उन तमाम को के मैप के अंदर आपने सर्कलिंग करनी है, ताकि आप सर्कलिंग करने के बाद आप उसकी रिड्यूस्ड जो है वो मिन टर्म इक्वेशन बना सकें, और ये जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो एंड और के फॉर्मेट में होगी। सो रूल्स क्या हैं? पहली चीज, एवरी सेल कंटेनिंग वन मस्ट बी इंक्लूडेड एट लीस्ट वंस, कम से कम एक मर्तबा जरूर उसने उस दायरे में आना चाहिए जिसके अंदर आपका जो है वो सेट बन रहे हैं। द लार्जेस्ट पॉसिबल पावर ऑफ टू रेक्टेंगल मस्ट बी इनक्लोज्ड, हमने देखना है कि मैक्सिमम नंबर जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इंक्लूड हो सके, लेकिन पावर ऑफ टू के अंदर, जिस तरह हमने बात की थी कि आपकी पावर ऑफ टू क्या चलती है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, सो दैट मीन्स आपने मैक्सिमम से स्टार्ट करना है और मिनिमम की तरफ जाना है, लेकिन जाना आपने 2 raised to power में है। द वंस मस्ट बी इनक्लोज्ड इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, आपने कम से कम रेक्टेंगल्स बनाने हैं, या आपने सेट कम से कम रखने हैं, ये नहीं है कि आपने सेट बनाते जाना है बनाते जाना है, क्योंकि अगर आप जो है लगातार सेट पर सेट बनाते जाएंगे और आप इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेट बनाएंगे तो इक्वेशन तो आपकी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो आपके जो हम जिस मकसद के लिए के मैप को यूज़ कर रहे हैं वो मकसद जो है वो पूरा नहीं हो सकेगा, दैट इज़ के हमने अपने इक्वेशन को रिड्यूस फॉर्म में लेके आना है। सो हम पहले देखते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। हमारे पास एक जो है वो टू वेरिएबल का के मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ये वैल्यू है जो के बनती है ए बी बार, और दूसरी ये वैल्यू है जो बनती है ए बार बी। इसी तरह हमारे पास एक और जगह मौजूद है जहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल्स जो हैं, सॉरी तीन हमारे पास जो हैं जगह पर हमें वन मिलता है, तो हम उसको के मैप के अंदर किस तरह प्लेस करेंगे। एक पोजीशन आएगी ए बी विच इज दिस, दूसरी आएगी ए बार बी, वो बनता है ए बार और बी ये वाला पॉइंट, और तीसरी पोजीशन बनती है ए बी बार, तो ए और बी बार तो वो लोकेशन बनती है ये। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, आप इसके अंदर जब सेट बनाएंगे तो आपको मैंने पहले भी बताया कि पहले आप देखेंगे 4 का सेट, क्योंकि यहाँ पे 4 का नहीं बन रहा 2 का बन जाता है, तो आपने एक 2 का सेट बनाया ये वाला और एक आपने सेट बनाया ये वाला। आपने कोशिश पहली ये रखनी है कि आपके पास मैक्सिमम नंबर का सेट बन जाए, और फिर आप जो है वो स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करें। सो यहाँ पे आप देख रहे थे कि जब आपका ये वाला सेट बना तो ये एक वेरिएबल एम्प्टी मौजूद था, तो आपने बजाय इसको एम्प्टी रखने के आपने इसके साथ भी एक सेट बना दिया, क्योंकि ये एक सेट बन सकता है। सो जब आपने इनका सेट बनाया तो होगा क्या, जब आप इस सेट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपका बी और बी बार ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाते हैं, और जब ये कैंसल आउट करेंगे तो आपके पास सिर्फ ये वाला वेरिएबल बचेगा विच इज वन, और ये आपका वन जो है ये ए का वन है, सो दैट मीन्स कि आपके पास क्या बची वैल्यू ए। सेकेंड केस के अंदर जहां पे आप देख सकते हैं ये सेट है, इसके अंदर आपके पास ए बार और ए ये दोनों कैंसल आउट हो गए, तो वैल्यू क्या बची हमारे पास, वो बची बी, और बी चूंकि यहाँ पे पोजीशन पे वन है तो आपके पास दूसरी वैल्यू जो मौजूद है दैट इज बी। सो आपके पास 2 सेट थे, एक सेट के अंदर से आपको ए मिला और दूसरे सेट में से आपको बी मिला। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास 3 वेरिएबल मैप के अंदर क्या होगा,
हमारे पास ये एक इक्वेशन मौजूद थी, इसको आपने थ्री वेरिएबल के अंदर हमने प्लेस किया, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप के मैप बनाएंगे थ्री वेरिएबल का, तो चूंकि तीन वेरिएबल हैं, एक साइड पे आपका एक वेरिएबल आ गया और दूसरी साइड पे दो वेरिएबल आ गए, जहाँ पे आपका एक वेरिएबल आया वहाँ पे तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट इज़ ज़ीरो एंड वन, लेकिन जहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो इसके कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं चार, एक दो तीन और चार। सो सबसे पहले आपका जो वेरिएबल बनेगा दैट इज ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन वन। मैंने आपको इसीलिए पहले बताया था कि एक वक्त में एक बिट जो है वो चेंज होगी। सो ज़ीरो वन, अब आपने किया वन वन, और अगली वैल्यू होगी वो होगी वन एंड ज़ीरो। सो आपने अपनी देखनी है इक्वेशन के अंदर कि आपके पास क्या वैल्यूज़ बन रही हैं। आपकी इक्वेशन कहती है कि पहले है ए बी बार और सी बार, सो ये है आपका ए, और इस लाइन के अंदर आपके पास जो है वो वैल्यू मौजूद होगी। सो दूसरे आपके जो दो वेरिएबल्स हैं दैट इज बी एंड सी बार, तो वो बनता है ये, तो आपका क्रॉस इस पॉइंट पर बनता है, तो लिहाजा आपका जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे वन प्लेस करेंगे। इसी तरह आपके पास जो सेकंड वैल्यू है दैट इज ए बी बार सी, सो ए आपका ये पॉइंट बना और बी बार आपका ये है और सी ये है, सो ये इस पोजीशन पे भी आपका वन आ गया। इसके बाद देखते हैं आपके पास तीसरा पॉइंट है ए बी एंड सी, तो वो पॉइंट बनता है ये, ए बी और सी बार, ए ये है पॉइंट, बी एंड सी बार ये पॉइंट है। इसी तरह ए बार बी बार सी, तो वो पॉइंट बनता है, क्योंकि ये आपकी ए बार की लाइन है तो इस लाइन के अंदर होगा, और बी बार प्लस सी, ए बी बार सी आपका बनता है ये पॉइंट। सो इस पॉइंट के ऊपर आपकी वैल्यू आएगी। इसी तरह अगला जो वेरिएबल मौजूद है दैट इज ए बार बी सी बार, तो वो बनता है ये पॉइंट, जिनके अंदर आपको वैल्यू नहीं मिली वहां पे आप जीरो प्लेस कर दें। तो हमने चूंकि देखा है, चूंकि यहाँ पे आपका एट वेरिएबल है, और मैंने बात की कि सबसे पहले आप लार्जेस्ट नंबर को देखेंगे, आपका यहाँ पे चूंकि लार्जेस्ट नंबर एट बनता है, तो क्या इसके अंदर आपको कोई आठ के आठ वेरिएबल्स हैं, या आपकी एट की एट लोकेशन जो हैं उस पर वन नज़र आ रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो पोजिशन पर हमें ज़ीरो नज़र आता है। तो हम इससे अगले नंबर की तरफ जाते हैं कि क्या हमें यहाँ पे ऐसी कोई जगह नज़र आती है जहाँ पे चार वेरिएबल जो हैं वो एक सेट बना रहे हों। हाँ, ऐसा मौजूद है। क्या इसके अलावा और कोई ऐसी जगह है जहां पे हमें ये चार का सेट बन सके? तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या हमारे पास, चूंकि दो वेरिएबल अभी भी रहते हैं, तो क्या चार का चूंकि सेट हो गया है, अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास दो का सेट बन सकता है। हाँ, दो का सेट बन सकता है। अब क्या दो का सेट बनने के बाद क्या कोई वेरिएबल हमारे पास एम्प्टी बचा है जिसका किसी के साथ सेट नहीं बन रहा? ऐसा कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है जिसका सेट ना बना हो। सो हमारे पास यहाँ पे तीन सेट हमारे पास बने हैं, एक चार का और दो दो के। तो अब इसको अब जब देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चार के सेट को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चार के सेट के अंदर ए की वैल्यू क्या है, तो वो हमारे पास है ए की वैल्यू है वन, सो आपका वेरिएबल आ गया ए। लेकिन इसका जो काउंटर पार्ट बी और सी, जो दो वेरिएबल्स हैं, अगर आप उस साइड पर देखें तो चारों वेरिएबल्स के बीच में इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये चारों के चारों एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। कैसे? आप ये देख सकते हैं कि ये आपका पहला वेरिएबल और ये थर्ड वेरिएबल दोनों ऑपोजिट हैं, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। इसी तरह
आप देख सकते हैं कि ये सेकंड वेरिएबल और ये लास्ट वेरिएबल, ये भी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर देंगे। सो दैट मीन्स कि इस चार के सेट के अंदर आपके पास सिर्फ ए वो वाहिद वेरिएबल है जो हमें आउटपुट में मिलेगा, और बाकी बी और सी चारों रकमों के अंदर जाके अपने आप को एंड कर देंगे। तो हम अगली इक्वेशन देखते हैं, यानी हम अगला सेट देखते हैं। अगला सेट हमारे पास कौन सा है? हम इस पोजीशन वाले सेट को देखते हैं। यहाँ पे चूंकि इस पोजीशन पे ए 0 भी है और ए 1 भी है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। हाँ, इस पोजीशन पे बी और सी की सिर्फ एक ही वैल्यू मौजूद है, विच इज बी बार सी। इसी तरह हम अगले सेट की तरफ देखते हैं कि इस सेट के अंदर भी हमारा ए जो है वो कैंसल आउट हो जाता है, और जो हमारे पास वैल्यू बचेगी दैट इज बी सी बार। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चार का एक सेट बना, और ये दो का सेट बना, और उसके बाद ये एक और दो का सेट बना। सो आपके पास जो इक्वेशन आई वो ये थी। ये मैंने आपको अभी बात बताया था कि आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी एंड और गेट के ऊपर मुश्तमिल होगी। इसके अंदर हम मजीद और भी हम जो है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? अगर आप गौर करें तो ये किसी एक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये अब आपके ऊपर है कि अब आपने ये चेक करके देखना है कि ये कौन सा गेट है, क्योंकि ये देखें, ये वाली रकम इस वाली रकम का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। हमने जब भी बनाना है, आप इसके अंदर एक और चीज़ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये चार का सेट बनाया, हम इसको भी चार का सेट बना सकते हैं, इस तरह भी चार का सेट बना सकते हैं, यहाँ पे भी चार का सेट बन सकता है, हमारा आठ का सेट भी बन सकता है जिसमें ये आठ के आठ आ जाएं। इसके अलावा आपके पास अगर कॉर्नर्स में वन हो तो आपके पास ये भी दो का सेट बनता है। इसी तरह अगर आपके पास एक वन इधर, एक वन इधर, वन एंड वन, तो ये भी चार का सेट बनता है, और उसका सेट बनेगा इस तरीके से, ये और ये, क्योंकि ये दोनों कॉर्नर्स हैं। तो अगर आप इस पूरे मैप को एक स्फेरिकल की तरह कंसीडर करें जिसमें आपका ये पूरी चीज़ जो है एक सर्कुलर फॉर्म में हो, तो ये वाले दोनों, इसको ये वाले दोनों फॉर्म्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी। तो इसीलिए आपके इस साइड के दोनों और इस साइड के दोनों जो हैं ये आपस में सेट बनाते हैं। तो ये तमाम एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं कि आप अपने जो है वो सेट किस तरीके से बना सकते हैं। ये भी आपका दो का सेट है, ये भी दो का सेट है, ये चार का सेट है, यहाँ पे आपका दो का सेट ये है, दो का सेट ये है, और दो का सेट ये है। यहाँ पे चूंकि ये जीरो था, इस वजह से यहाँ पे आपका चार का सेट नहीं बन सका। अब हम इसी की एक एग्जांपल देखते हैं, एक एडर सर्किट बनाते हैं। जब भी हमने दो बिट को ऐड करना हो तो हमारे पास जो है कुछ कंडीशंस रेज होती हैं। सो अगर हम इन दो की बात करें, तो अगर आपने इन दो इनपुट्स को, ये हमारी दोनों इनपुट्स हैं, तो हम ये दो बिट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो समेशन आ सकती है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि आपके पास जब हम एडिशन करते हैं तो एक कैरी भी जनरेट होता है। तो जब आपका कैरी जनरेट होता है, और अगर हम एक सिंपल एडर बना रहे हो, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 1010 1010 जीरो, सॉरी इसको हम वन कर लेते हैं,
तो क्या हम इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा। अब हम पहली वैल्यू की तरफ देखें तो ये तो यकीनन दो ही वैल्यूज हैं, यानी दो ही इनपुट्स हैं, ये है ए और ये है बी। सो हमारे पास ये दो ऐड होंगे तो 0 और 1, हमारे पास आंसर आया 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं इनको दोनों को हम ऐड करते हैं, 1 एंड 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1। सो आपने एक आंसर जनरेट किया और एक आपने कैरी आउट जनरेट किया। लेकिन ये जो आपने कैरी आउट जनरेट किया ये इन दोनों के साथ ऐड भी हो रहा है। सो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है हमारे पास कि जब हम दो नंबरों को ऐड करें तो उसके अंदर एक कैरी ऐड हो या ना हो। सो ये कैरी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। सो अगर आप अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, और आपके पास वैल्यू आ गई 1। सो बेसिकली आपके पास इनपुट्स दो हैं लेकिन एक प्रीवियस जो है एडिशन की वजह से कोई कैरी जनरेट होके यहाँ पे आ सकता है जो इस पोजीशन पे 1 है और इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर 0 था। सो जब हम अपना एडिशन का टेबल बनाएंगे या एडर सर्किट का टेबल बनाएंगे तो हम इसके अंदर दो इनपुट्स रखेंगे और एक एक्सपेक्टेड इनपुट की जो एक्सपेक्टेड हमारे पास कैरी है अगर वो जनरेट होता है, चाहे वो 0 हो या वो 1 हो, इसके केस में हमारे पास क्या रिजल्ट हमारे एडिशन पे पड़ेगा, ये हम तीनों का एडिशन करके हम एडर सर्किट बनाएंगे। इस तीनों के ऐड करने की सूरत में जो जवाब बनेगा उसको हमने यहाँ पर लिखा है एस, और अगर एडिशन के केस में कोई कैरी जनरेट होता है तो उसको हम लिखते हैं कैरी आउट। सो अगर हम यहाँ पे इनको देखें, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, हमने दो नंबर ऐड किए और दोनों की वैल्यू 0 थी और हमारे पास एक्सपेक्टेड जो कैरी इन की वैल्यू है वो भी 0 है, तो आपने देखा कि ना हमारे पास कोई आउटपुट के अंदर वैल्यू आई और ना ही हमारे पास कोई कैरी जनरेट हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास दो वैल्यूज थी 1 एंड 0 और हमारे पास कैरी जनरेटेड था, तो हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट हुई, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन एक कैरी जनरेट हो गया। इसी तरह अगर मेरे पास कैरी भी 1 है और मेरी ए और बी दोनों की वैल्यूज 1 है तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, जिसकी वजह से हमारे पास एक कैरी जनरेट हो गया, और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पर सम में भी आ गई। सो अब चूंकि हमारे पास ये एक सर्किट जो है, ये एक ट्रू टेबल जो है हमारे पास रेडी हो चुका है, तो हम इसको सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको सर्किट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसके लिए एक इक्वेशन चाहिए, और अगर हम सादा तरीके का यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ तो जाएगी लेकिन वो एक मिनिमाइज्ड इक्वेशन नहीं होगी। सो मिनिमाइज्ड इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि चूंकि हमारे पास यहाँ पे दो आउटपुट्स हैं, एक एस और एक कैरी आउट, तो हम इन दोनों के सर्किट्स बनाएंगे और उसके लिए हम एक तरीके का यूज़ कर सकते हैं इनकी मिनिमाइजेशन के लिए, और वो है कार्नो मैपिंग। सो हम पहले देखते हैं हमारे पास समेशन की या सम या एडर की जो इक्वेशन बनी है वो है ये, और इसी तरह जो हमारे पास कैरी जनरेट हुआ है आउटपुट में उसकी इक्वेशन बनी हमारे पास ये वाली। सो एक तरीके का तो ये है कि आप इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करें यूजिंग रूल्स एंड थ्योरम्स ऑफ एलजेब्रा और उसको मिनिमाइज फॉर्म में लेके आए। और दूसरा तरीकेकार ये है कि आप उसके ऊपर एक कार्नो मैपिंग अप्लाई करें। सो कार्नो मैपिंग का तरीकेकार क्या होगा, हमारे पास चूंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं तो ये आपको शायद कंफ्यूज कर रहा हो कि हमने सी इन को यहाँ पे ए किया और यहाँ पे किया। हम इसको जो है इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमारे पास एक कार्नो मैप बना इसके अंदर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ए इस साइड पर है और बी और सी
इन इस साइड पर है। सो हमारे पास जो कार्नो मैप बनेगा, चूँकि ये तीन वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है, तो हम देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वन किन किन पोजिशन पर मौजूद है। सो एस के अंदर हमें इस पोजिशन पर वन है, इस पोजिशन पर वन है, इस पोजिशन पर वन है और इस पोजिशन पर वन है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वन कहाँ कहाँ आ रहा है। हमारे पास पहले वन आता है ए ज़ीरो, ये आ गया ज़ीरो 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 वन 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 एंड वन ज़ीरो। सो ए ज़ीरो पहले देख लेते हैं, ए ज़ीरो इस पोजीशन पे है, बी ज़ीरो और सी इन वन। सो बी ज़ीरो सी वन, बी ज़ीरो सी वन हमारे पास आ गया ये पोजीशन। उसी तरह अगर हम अगले नंबर पे देखें, ए ज़ीरो और बी वन एंड सी ज़ीरो, सो बी वन एंड सी ज़ीरो ये पोजीशन बनती है। इसी तरह अगर आप देखेंगे आगे, तो हमारे पास है ए वन के लिए पोजीशन, ए वन की पोजीशन हमें बता रही है ए वन बी और सी ज़ीरो, ए वन बी और सी ज़ीरो। इसी तरह अगला नंबर हमारे पास मौजूद है ए वन बी वन और सी वन, तो ये बनता है ये वाली पोजीशन। सो ये आपका जो इक्वेशन बनी है वो है एस के लिए। इसी तरह अगर मुझे इसके बाद अगली इक्वेशन बनानी हो फॉर सी आउट, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए बी और सी इन, ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन 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 एंड वन ज़ीरो। सो अगर हम यहाँ पे देखें, मैं इसको रब कर देता हूँ और मैं यहाँ पे हाईलाइट उनको करूँगा जहाँ पे मुझे कैरी आउट अवेलेबल हो रहा है। सो मेरे पास जो कैरी आउट जनरेट हो रहा है वो एक पोजीशन है ये, ये, ये और ये लास्ट वन। सो इस पोजीशन पे आप देखें, पहला पॉइंट है कि हमारे पास ए ज़ीरो है और बी और सी वन है। सो ए ज़ीरो है और बी और सी वन है, पोजीशन बनती है ये। इसी तरह आपके पास जो दूसरी पोजीशन बनती है जिसमें है ए इज इक्वल टू वन, बी ज़ीरो है और सी वन है। सो ए इज इक्वल टू वन, बी ज़ीरो एंड सी वन। थर्ड वन इज ए वन बी वन एंड सी ज़ीरो। सो ये आपके पास पॉइंट बना ये वाला। एंड इन द लास्ट वन ए बी और सी तीनों वन, तो वो पोजीशन बनती है ये वाली। सो ये आपका जो है, ये आपका टेबल जो बना है, दैट इज फॉर योर सी आउट। सो ये आपके पास दोनों टेबल जो हैं, एक एस के लिए और एक सी आउट के लिए, वो हमारे पास बन गया है। सो अब इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर सेट कौन से बनते हैं। अगर हम यहां पे बात करें, एक सेट हमारे पास बना ये वाला, एक सेट बनता है ये वाला, और एक सेट बनता है हमारे पास ये वाला। जबकि आप अगर इसको मॉनिटर करेंगे, यहां पे कोई सेट नहीं बन रहा। ये चारों के चारों डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। तो चूंकि ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं और इनके अंदर कोई एक दूसरे के साथ रिलेशन में नहीं आ रहा, तो इनका जो इक्वेशन है वो मिनिमाइज नहीं हो सकती। लेकिन इस केस में हमारे पास इक्वेशन जो है वो मिनिमाइज होती है और हमारी इक्वेशन जो है वो तीन सेट बनाएगी और दोनों दो दो के पेयर होंगे, एक पेयर ये
एक पेयर ये और एक पेयर ये वाला, ये तीनों पेयर जो हैं ये हमारे पास इनकी इक्वेशन बनेगी। सो ये आपको तरीकेकार यहाँ पे नजर आएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये आप इस तरह, जैसे हमने पहले भी बात की कि हम तमाम टेबल के अंदर जहाँ जहाँ पे हमारे वैल्यूज़ हैं वहाँ को उनको हम प्लेस करेंगे और देखेंगे कहाँ पे जीरो आ रहा है और कहाँ पे वन, और उनको हम टेबल में मैप करेंगे और उसके बाद हम अपने सेट को कंप्लीट करेंगे। सो हमारा एक सेट बना था ये वाला, दूसरा सेट बना ये वाला, और तीसरा सेट बना हमारे पास ये वाला। जब आपके पास इसी तरह जब दूसरे की बारी आएगी तो इसके अंदर चूंकि हमने बात की कि यहाँ पे कोई जो है वो सेट नहीं बन रहे तो इनकी चारों की अलग-अलग वैल्यूज हैं। सो एस के अंदर जब हमने उनके सेट बनाए थे तो हमारे पास एस की इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये मौजूद है। भी मौजूद है। सो एट द एंड हम समरी को देखते हैं, आपने इस लेक्चर के अंदर क्या देखा? इसके अंदर आप लोगों ने कार्नो मैप को यूज किया जो आपको जो है अलाउ करता है टू रिप्रेजेंट फंक्शन विद अ न्यू नोटेशन। इसी तरह आपने जो है लेस लॉजिक को यूज करते हुए अपने फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया और आपने देखा कि आपकी जो है वो इक्वेशन मिनिमाइज किस तरीके से हो रही है। नेक्स्ट आपने जो चीज़ नोटिस की वो ये थी कि हर एक स्क्वायर जो है वो एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था और ईच सर्कल लीड्स टू वन प्रोडक्ट टर्म। और आपने ये चीज़ भी नोटिस की कि हर फंक्शन जो है उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, जिसना आपने देखा कि आपकी कैरी आउट की जो टर्म थी वो आपकी मिनिमाइज नहीं हुई। प्लस जो चीज़ देखने वाली थी वो ये थी कि हर सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था हमारी एप्लीकेशन को, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के केस की तरह या कॉम्प्लीमेंटिंग रूल की तरह, जिसमें आपने देखा कि अगर हमारे पास जो है अगर दो एक ही वेरिएबल के दोनों स्टांसेस मौजूद हैं जीरो और वन तो हम उसको निगेट कर देते थे और उसको वन में कन्वर्ट कर देते थे, और जब वो वन में कन्वर्ट हो जाता था तो उसका इम्पैक्ट जो है वो एंड हो जाता था। सो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आई होगी और आप इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे।